पीडीएफ फाइल का डबल साइड प्रिंट करने के लिए आपको पीसी या लैपटॉप ओपन करना है और आपका जो प्रिंटर है वही आपको कनेक्ट करके ओपन कर देना है। तो चलो मैंने पीसी को ओपन कर दिया है। तो पीसी में हमारा जो पीडीएफ फाइल है तो उसका आपको डबल साइड प्रिंट कैसे करना है, तो चलो मैं सभी प्रोसेस है वही मैं आपको लाइव प्रिंट करके कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो इस हमारा जो पीडीएफ फाइल है तो उसमें 8 पेज है। तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा पीडीएफ फाइल में 8 पेज है, तो उसको मैं डबल साइड प्रिंट करना है। तो चलो मैं सभी आपको लाइव प्रूफ करके प्रिंट करके बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले जो डबल साइड प्रिंट करने के लिए आपको जो भी आपका पीडीएफ फाइल है तो आपको कीबोर्ड में कंट्रोल पी बटन को प्रेस करना है। तो चलो मैं कीबोर्ड में कंट्रोल पी बटन को प्रेस करता हूँ और इस हमारा जो प्रिंटर है वही मैंने पीसी में कनेक्ट करके रखा है। तो आपको इस तरह कीबोर्ड में कंट्रोल पी बटन को प्रेस करना है। तो हमारा जो पीसी में पीडीएफ फाइल है तो उसमें 8 पेज है। तो चलो मैं कंट्रोल पी बटन को प्रेस करता हूँ तो जो प्रिंट का ऑप्शन है यहाँ पे हमें दिखने को मिल जाएंगे। तो आपको कई सारे जो ऑप्शन है तो उसमें आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपका प्रिंटर है वही यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके आपको पेज पे क्लिक करना है। तो उसमें जो ऑलरेडी ऑल सिलेक्ट होता है तो आपको पेज पे क्लिक करना है क्योंकि हमें डबल साइड प्रिंट करना है। तो आपको पेज पे क्लिक करना है और पेज पे क्लिक करके आपका जितना जो पेज है यानी कि पीडीएफ फाइल में कितना पेज है वही यहाँ पे आपको टाइप करना है। मान लीजिए हमारा 8 पेज है तो उसको हमें डबल साइड प्रिंट करना है तो हमारा जो 4 पेज में प्रिंट होगा। तो चलो मैं सबसे पहले टाइप करता हूँ 1 और आपको कॉमा लगाना है और आपको 3 टाइप करना है, फिर से कॉमा लगा के 5 टाइप करना है और कॉमा लगा के 7 टाइप करना है क्योंकि हमें एक नंबर पीछे रखना है और इससे आपको टाइप करना है। मान लीजिए मैंने 1 टाइप किया तो 2 टाइप ने किया, 3 टाइप किया तो 4 टाइप ने किया, 5 टाइप किया तो 6 टाइप ने किया। तो इस तरह आपको नंबर को टाइप करके एंटर बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ से हमारा जो प्रिंट है वही हमारा हो जाएगा। तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि मैं लाइव प्रूफ करके डबल साइड प्रिंट करके बताने वाला हूँ। तो आपको पेज जैसा आता है वैसा ही आपको रखना है, पेज को आपको जैसा है वैसा ही पेज रखना है। तो चलिए हमारा जो 4 पेज है यानी कि 4 पेज में प्रिंट हो गया है। तो इस पेज को आपको इस तरह उल्टा करके यहाँ से सेट करना है। तो गाइस अभी देख लीजिए कि एक नंबर का पेज है उसका हमारा प्रिंट हो गया है, तीसरा नंबर का हो गया है, 5 नंबर का हो गया है और 7 नंबर का हो गया है। तो आपको जो फर्स्ट वाला पेज है यानी कि एक नंबर वाला पेज है वही आपको साइट में इस तरह रखना है। तो चले जो फर्स्ट वाला पेज है तो उसके पीछे में दूसरा नंबर का प्रिंट करना है। तो यहाँ से आपको इस तरह पेज को सेट करना है। तो चले मैंने 1 नंबर का पेज है तो वही मैंने इस तरह रख दिया है क्योंकि हमें पीछे 2 नंबर का प्रिंट करना है। तो यहाँ से आपको इस तरह सेट करना है, जो हमने 3रा नंबर का प्रिंट निकाला था वही हमारा प्रिंट है। तो उसके पीछे में 4 नंबर का प्रिंट सेट करना है। तो आपको 1 नंबर का पेज है उसको आपको नीचे रखना है और इस पेज को ऊपर रखना है। तो आपको इस तरह एक एक पेज को ऊपर को सेट करना है। तो चलो मैंने 5 नंबर का रख दिया और इस जो 7 नंबर का पेज है वही मैंने सेट कर दिया है। तो आपको इस तरह जो पेज को सेट करना है और पेज सेट करके आपको अच्छे तरीके से फिर से आपको उल्टा करके प्रिंट में सेट करना है यानी कि प्रिंटर है तो उसमें आपको सेट करना है। तो जो भी मैं सेट कर रहा हूँ इस तरह आपको पेज को सेट करना है। तो जो मैंने 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर और 7 नंबर का प्रिंट को प्रिंट किया है, तो जो भी हमारा 8 नंबर उदय 8 नंबर है इससे हमारा जो सभी पेज है उसको हमें निकालना है। तो फिर से आपको कंट्रोल पी बटन को प्रेस करके यहाँ से आपको टाइप करना है 2 नंबर क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1 पेज का प्रिंट निकाला है। तो यहाँ से आपको 2 टाइप करके कॉमा टाइप करना है और कॉमा बटन को प्रेस करके यहाँ से 4 नंबर टाइप करना है क्योंकि मैंने 3 नंबर का प्रिंट निकाल दिया है। तो यहाँ से आपको 4 नंबर टाइप करके कॉमा लगा के 6 नंबर टाइप करके फिर से कॉमा लगा के 8 नंबर टाइप करना है क्योंकि जो भी मैंने नंबर इस तरह टाइप किया है। तो आपको इस तरह टाइप करके एंटर बटन को प्रेस करना है तो जो भी आपका प्रिंट है वही आपका डबल साइड हो जाएगा। तो चलो मैं कंप्यूटर में भी आपको लाइव करके देख के बताने वाला हूँ। तो सही से हमारा जो प्रिंट है यहाँ पे हो रहा है। तो चल मैं आपको सभी एक एक पेज को
कंप्लीट कंप्यूटर में बताने वाला हूँ कि सही से हमारा डबल साइड प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो गाइस अभी देख लीजिए कि हमारा एट पेज का पीडीएफ था, तो वही मैंने 4 पेज में प्रिंट कर दिया है। तो आपके सामने जो भी पेज है, तो चल मैं फर्स्ट वाला पेज है वही मैं लेता हूँ और मैं कंप्यूटर में आपको देख के भी लाइव बताने वाला हूँ। तो गाइस अभी देख लीजिए कि हमारा जो कंप्यूटर में पीडीएफ फाइल है उसमें जो फर्स्ट नंबर देख लीजिए कि कंप्यूटर क्या है, उसका जो प्रिंट है वही हमारा सही से हो गया है। तो चले उसके पीछे हम देखते हैं कि दूसरा नंबर का प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलो मैं कंप्यूटर में दूसरा पेज है वही में लाता हूँ। तो आप देख लीजिए कि यहाँ नंबर भी देख लीजिए पीडीएफ का, और तो चले मैं उल्टा करके देखता हूँ। तो गाइस अभी देख लीजिए कि सही से हमारा जो 2 नंबर का 1 के पीछे 2 नंबर का प्रिंट हो गया है। तो आपको हमारा सही से 1 नंबर 2 नंबर है वही हमारा दोनों साइड प्रिंट हो गया है। तो चल मैं कंप्यूटर में तीसरा पेज है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। रैम रोम है तो तीसरा जो पेज है तो वही मैं आपको प्रिंट में भी आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस अभी देख लीजिए तो वही हमारा तीसरा नंबर का पेज है। तो चले उसके पीछे हमारा 4 नंबर का प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलो मैं कंप्यूटर में 4 नंबर का प्रिंट है वही मैं शो करता हूँ, तो एंटरटेनमेंट है। तो वही में 4 नंबर का पेज है वही हमारा यहाँ तीसरे नंबर का पीछे भी हमारा 4 नंबर का पेज है, यानी कि हमारा सही से डबल साइड प्रिंट हो गया है। तो चलो मैं सभी पेज आपको लाइव करके बताने वाला हूँ। जो हमारा इस तरह इनपुट प्रोसेसर आउटपुट है उसका भी हमारा प्रिंट हो गया है जो 5 नंबर पे है। तो इस तरह आपको पीछे 6 नंबर का हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप कंप्यूटर में मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप पेज में भी लाइव देख लीजिए। तो अभी देख लीजिए कि यहाँ आपको जो भी हमारा कंप्यूटर में पीडीएफ में फाइल है वही हमारा पेज में भी वही लिखा आ रहा है, यानी कि हमारा साइड से डबल साइड प्रिंट है यहाँ पे हो गया है। तो चल मैं फिर से इस तरह आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस अभी देख लीजिए कि 7 नंबर का प्रिंट है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा 7 नंबर का पेज सही से हो गया है। तो चले उसके पीछे 8 नंबर है, यानी कि कंप्यूटर क्या है उसका हमारा थोड़ा 4 से 5 लाइन लिखा है वही हमारा 8 नंबर में है। तो यहाँ हमारा प्रिंट में सही से 8 नंबर में है। तो आपको इस तरह कई सारे जो पीडीएफ का पेज है तो आपको डबल साइड प्रिंट करना है तो आपको आसान तरीके डबल साइड प्रिंट कर सकते हो। तो गाइस जो जितना प्रोसेस था वही मैंने आपको कंप्यूटर में लाइव करके बता दिया है कि आपको किसी भी जो प्रिंटर यूज करते हैं तो आपको डबल साइड प्रिंट करना है तो इसी तरह आपको आसान तरीके पीडीएफ फाइल का डबल साइड प्रिंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।